हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड आप कैसे मिल सकती है, किसको मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या फ्री लीगल एड किसी का राइट है, क्या ये फंडामेंटल राइट है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी एक्यूज्ड को फ्री लीगल एड की सुविधा कैसे मिलेगी, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी ये भी लीगल एड की बात करता है, और आर्टिकल 39A ये आपका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक सिद्धांत है भारतीय संविधान का, जो 42nd अमेंडमेंट में यहाँ डाला गया था। ये दोनों ही फ्री लीगल एड की बात करते हैं आज, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, फ्री लीगल एड जो है ये दो जगह इसके प्रोविज़न है, एक आपका सीआरपीसी में है सेक्शन 304 और दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है जहाँ पे आर्टिकल 39A। हालांकि अगर देखा जाए तो जो आपका आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 1 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये भी आपका एक तरह से जो किसी का लीगल राइट्स है उसी की बात करता है। एंड सेम कोर्ट ने कई केसेस में फ्री लीगल एड को आर्टिकल 21 का भी पार्ट माना है, बट स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली ये दिया गया 39A में, तो हम इसकी भी बात करेंगे। अब फ्री लीगल एड पर आगे बात करें इससे पहले एक छोटा सा केस लॉ हम डिस्कस करेंगे। ये केस है हुसैनारा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। देखिए, ये केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका हर लीगल स्टूडेंट के लिए, हर लीगल फर्टिनिटी से जुड़े आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण केस है ये केस। आपके हिंदुस्तान की पहली PIL, हमारे हिंदुस्तान में जो फर्स्ट PIL फाइल हुई थी वो इस केस में हुई थी, इससे पहले PIL था ही नहीं। जस्टिस PN भगवती साहब ने इसमें डिसीजन दिया था और यहाँ पर कोर्ट ने क्लियरली एक बात कह दी थी कि जो मेनका गांधी का केस है उसको रेफर करते हुए कोर्ट ने कहा था कि जो राइट ऑफ टू द फ्री लीगल सर्विस वो एक इन असेंशियल इंग्रेडिएंट है जो किसी भी फेयर और जस्ट ट्रायल के लिए किसी एक्यूज्ड को चाहिए, और ये उसको आर्टिकल 21 के तहत उसका ये फंडामेंटल राइट है, ये इस केस में कहा गया था। इस केस की डिटेल्स के लिए अगर आपको जाना है तो एक अलग से इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरे केस को आप उसमें देखिएगा। मैं थोड़े से ग्लिम्स बता देता हूँ आपको इसके। ये है एडवोकेट कपिला हिंगोरानी, ये वो हैं जिनको प्रिजनर रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, इंडिया में प्रिजन रिफॉर्म के लिए फेमस है, और जस्टिस PN भगवती साहब, इनकी बुक भी है, बहुत अच्छी बुक है। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। एडवोकेट कपिला ने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ वहाँ उस टाइम के इंडियन एक्सप्रेस की दो कटिंग जो थी, जो न्यूज़ एक जो IPS ऑफिसर थे मिस्टर आसिफ, उन्होंने ना बिहार में जेल रिफॉर्म्स के ऊपर एक सर्वे किया था, उनकी रिपोर्ट जो है अखबार में प्रिंट हुई थी और न्यूज़पेपर के उन कटिंग्स के साथ ही ये केस फाइल किया गया था, इसमें कोई भी वकालतनामा नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे जस्टिस PN भगवती साहब ने इसको PIL के तौर पे माना था क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और आपको बिलीव नहीं होगा अराउंड 50,000 प्रिजनर ऑल ओवर इंडिया छोड़े गए थे। बिहार में बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स जेल में बंद थे जिनको बहुत जो छोटे छोटे ऑफेंसेस थे, कोई 6 महीने 3 महीने की पनिशमेंट वाले, बट फिर भी वो सालों से जेल में बंद थे क्योंकि उनके पास गरीब इतने थे कि वो अपने लिए लीगल किसी भी प्रैक्टिशनर को हायर नहीं कर सकते थे। तो फ्री लीगल एड को यहाँ पर जस्टिस PN भगवती ने क्लियरली बोला था कि ये एक आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा। इस केस के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो ज़रूर देखें जहाँ इस केस की पूरी डिटेल आपको दे रखी है, लेकिन फ्री लीगल एड की बात यहाँ की गई थी। अब उसके बाद लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया 1987 में, ये जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल, नो सिटीजन शुड बी डिनाइड जस्टिस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। भाई इंडिजेंट पर्सन है तो उसे इस बात से आप उसको न्याय देने से मना नहीं कर सकते कि उसके पास लीगल
प्रैक्टिशनर को हायर करने के लिए पैसे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी सही नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान होगा इंडिया में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट ये एक बॉडी बनाई गई जिसका काम होता है फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करवाना। अब इसके प्रोविजन अलग अलग है, आप CRPC में सेक्शन 304 दे रखा है। आर्टिकल 39A ये आपका DPSP है और 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं, इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था 1976 में। यहाँ कहा गया था कि इट इज़ द ऑब्लीगेशन ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ऑब्लीगेशन होगी टू सी दैट द लीगल सिस्टम एडवांसेस जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स एंटायर सिटीजन। इट शुड therefore give free legal aid to the individual who can't get to justice because of financial and other disabilities। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन जस्टिस से वंचित ना रह जाए, न्याय से वंचित ना रह जाए, इसके लिए ये DPSP डाला गया था। अभी देखिए हम CRPC में चलते हैं, सेक्शन 304 क्या कहता है, लीगल एड टू द एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। तो जो सर्टेन केसेस में है जो लीगल मिलेगी, लीगल एड मिलेगी, वहाँ पे जो है प्लीडर का फीस कौन देगा, वो एक्सपेंस स्टेट एक्सपेंसेस से लिया जाएगा। जहाँ पे ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन हो, याद रखिएगा ये ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, the accused is not represented by pleader and where it appears to the court the accused has not sufficient mean, accused के पास sufficient means नहीं है to engage a pleader कि वह अपने लिए वकील हायर करे, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state। तो ये इसके लिए कुछ set of rule चाहिए, जो set of rule है सब section में बनाए जाते हैं। High court may with प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि रूल कौन बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगा। हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर कहाँ दी गई है, सेक्शन 477 ऑफ हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर 477 ऑफ CRPC में है, नोट कर लीजिए इसको कहाँ पे है, 477 में। तो यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसके लिए प्लेडर एंगेज करे स्टेट एक्सपेंसिस पे, और इसके लिए कि कौन पैनल बनाया जाएगा, कौन वकील होंगे, कौन किसको दिया जाएगा केस, तो इसके लिए हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से पहले से अप्रूवल लेके रूल बनाता है। कैसे रूल होते हैं, मोड ऑफ सिलेक्टिंग प्लीडर्स फॉर डिफेंस, बट डिफेंस यानी एक्यूज्ड के लिए है ये, विक्टिम के लिए तो होता है, देखिए स्टेट का आप देखें स्टेट वर्सेज सो एंड सो, तो यहाँ पे प्लीडर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो तो विक्टिम की साइड से है ही, लेकिन ये एक्यूज्ड को मिलेगा, डिफेंस को मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, फैसिलिटीज टू बी अलाउड टू सच प्लीडर, भाई आपने कुछ एडवोकेट्स को आप पैनल बना दिया कि जो फ्री लीगल एड सर्विस के लिए कोर्ट जब अपॉइंट करेगा तो वो उसका केस लड़ेंगे, तो स्टेट एक्सपेंसेस से उनको क्या मिलेगा, क्या सुविधाएं उनको दी जाएंगी, ये भी कोर्ट डिसाइड करता है विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उनको फीस कितनी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे पहले डिसाइड हो जाती है। अभी हम इसका सबसेक्शन 3 देखते हैं, सबसेक्शन 3 यहाँ पे क्या कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट दे, पहले काम किसका था, हाई कोर्ट का रूल बनाने का है। सबसेक्शन 3 में कौन है, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट देगी नोटिफिकेशन, क्या देगी, एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी क्लास ऑफ ट्रायल बिफोर अदर कोर्ट्स इन द स्टेट एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। आपने ध्यान से देखा हो तो हमने जो सबसेक्शन 1 और 2 पढ़े हैं, तो सबसेक्शन 1 की पहली लाइन में आता है वेयर इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन। तो सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जो 1 और 2 हैं भाई वो बाकी कोर्ट्स पर भी अप्लाई होंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में जारी करेगी तभी उनको दूसरे कोर्ट्स पे लागू कर सकती है। तो ये तो आपने देखा कि CRPC में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं। यहाँ मैं आपको एक केस और कहूँगा, आप केस नोट कर लें, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 का केस है,
देखिए ये केस को खत्री केस ने के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराए, किसको? इंडिजेंट पर्सन को, ओवर दी स्टेट। क्या कराए वो? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाए। किसको करवाना है? टू दी इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन को। तो ये केस दो जो मैंने बताए हैं आपको, हुसैनारा खातून और खत्री केस, दोनों इम्पोर्टेंट है फ्री लीगल एड को लेकर के। तो आई होप आपको फ्री लीगल एड अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने सजेशंस, आपकी एडवाइस। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें और आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट सेक्शन 306 अप्रूवर, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 133 के साथ पढ़ेंगे, अकम्प्लिस के साथ सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट उसके साथ में पढ़ेंगे, कंडीशनल पार्डनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।